शुक्रवार 11 जुलाई 2020 को प्रेस वालों के दौरान प्रदेश अध्यक्ष एसएस कोहलर ने बताया कि देवभूमि में आम जनता कांग्रेस भाजपा के झूठे वादों और लूटखोरी से व्यस्त होकर आम आदमी पार्टी के कार्यों में अपनी आस्था दिखा रही है, परिवार बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए हमने आप लोगों को थोड़ा सा निमंत्रण करा है और जो भी आगे आने वाले समय में हम चाह रहे हैं भी आप लोगों का साथ मिले हमें और कुछ जनता का साथ मिलना है। 2022 में नए उत्तराखंड बनाए, बिल्कुल 100% मिलेगी। 2022 से आपको पहले ही आज से 3-4 महीने में बिल्कुल दिखने लग जाएगा कि उत्तराखंड की इलेक्शन जो है वन साइडेड हो गई है। जैसे दिल्ली का माहौल था आपको 4-5 महीने, जनवरी के बाद तो आपको बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ें आने लगेगी। जिस तरीके से ये नौजवान साथी जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड में नौजवान जितने भी हैं वो बेरोजगार हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा, ना भाजपा में कुछ दिख रहा ना कांग्रेस में दिख रहा, क्योंकि झूठे वादे करते हैं, जनता उनसे बहुत नाराज बैठी है और इसीलिए नौजवानों का जो रुझान है वो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ को है, आम पार्टी की तरफ को है। आने वाले समय में ये चीज़ें आपको दिखने भी लगेगी और 2022 में हम निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे और दिल्ली का भी हो सके तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए, इसके लिए हम आने वाले समय में जो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे उसमें एक घोषणा पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, हम 71 घोषणा पत्र जारी करेंगे हर विधानसभा की अलग अलग, ये पहाड़ को देखते हुए। जैसे अक्सर सवाल आता है कि दिल्ली की स्थिति और है उत्तराखंड की और है, उसके लिए हमने ये हल निकाला है कि हम 70 विधानसभा का घोषणा पत्र बनाएंगे और हर विधानसभा में जाके लोगों से पूछेंगे वो क्या होमवर्क हमें दे रहे हैं और उसके बाद 2027 में होमवर्क करके पूरा जाएंगे उनके पास और काम करेंगे और 71 घोषणा पत्र बनेंगे, एक स्टेट लेवल का होगा और हर विधानसभा का घोषणा पत्र होगा। देखिए, हमें संगठन में 20-25 दिन हुए हैं और हमारा 50% से ऊपर काम हो चुका है संगठन का हर बूथ पे। आप कहोगे तो मैं आपको अपने मोबाइल खोलूंगा, अभी आपको दिख जाएगा एक एक विधानसभा पे काम हो रहा और कुछ विधानसभा पे तो 65% से ऊपर हो चुका है, एवरेज जो है वो 55% की हो चुकी है। आज की डेट में ना बीजेपी के पास 65% संगठन है बूथों पे काम करने वाले नौजवान है, ना कांग्रेस के तो आता पता भी नहीं है। ने पंजाब की और यहाँ की राजनीति में बहुत फर्क है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ उत्तराखंड के जो हमारे यहाँ उत्तराखंड के भाई हैं ये 35 लाख से ऊपर दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हमारा काम देखा हुआ है, हम उनसे जो भी वादा कर रहे हैं उनको पता है, वो हमें काम तो देखा है, वो गांव-गांव में जाके हमारा जो वहां से आ चुके हैं प्रवासी वो गांव-गांव में जाके अपने मोहल्ले में अपनी जगह हमारी दिल्ली के जो काम हुए उनको बता रहे हैं, उससे लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है हम सरकार बनाएंगे।